अल्लाह के वजूद को हम सब मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। और इस बात पर यकीन भी रखते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है? तो फिर इमाम जाफर सादिक जो फरमाते हैं कि अल्लाह का वजूद तो हर जगह है मगर हम उसे देख नहीं सकते, भला ये क्या बात हुई? जब अल्लाह का वजूद हर जगह है तो उसे नजर भी तो आना चाहिए। अरे ये क्या कर रहे हो, मिट्टी का ढेला? ए वहाब, तू क्या दीवाना हो गया है? काजी साहब को मिट्टी का ढेला मारा? हेलो हेलो, क्यों मार रहे हो? ठीक है, इसने आपके उस्ताद की बेइज्जती की है ना, इसे मार के कोई फायदा नहीं, ये दीवाना है। बेहतर यही है कि इसे काजी साहब के पास ले चलते हैं। ठीक है। तो बहलोल, तुम पर ये इल्जाम है कि तुमने मौलवी इमामुद्दीन पर मिट्टी का ढेला मारा, क्या तुम अपनी गलती मानते हो? नहीं, इस बात का क्या सबूत है कि मैंने इसे मिट्टी का ढेला मारा? काजी साहब, सबूत है हमारे पास, हमारे ये शागिर्द, इसने इन सब के सामने हमारी पेशानी पर मिट्टी का ढेला मारा। क्यों बच्चों, बताओ काजी साहब? अगर मैंने ऐसा किया भी तो उससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? अब तू मेरे सवाल का जवाब दे कि तू भी तो मिट्टी का बना है और वो ढेला भी मिट्टी का ही था, तो भला मिट्टी के ढेले ने तुझे क्या तकलीफ पहुंचाई? फिजूल की बातें मत करो, तुमने इतनी जोर से हमें ढेला मारा कि अभी तक हमारी पेशानी पर दर्द हो रहा है। अगर दर्द है तो नजर क्यों नहीं आता? अरे अकल के दुश्मन, दर्द भी कभी किसी को नजर आता है। अभी अभी तो तू अपने शागिर्दों से कह रहा था कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो फरमाते हैं खुदा को देखना मुमकिन नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, जो चीज मौजूद है उसे नजर आना चाहिए, तो तेरी पेशानी का दर्द भी तो नजर आना चाहिए।